गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपने पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, किस तरह से प्लाज्मोडियम का अटैक हमारे बॉडी में होता है ना, मतलब मलेरिया इंसान को कैसे होता है, कैसे वो दो फेज में बटा हुआ था, एरिथ्रोसाइटिक एंड एक्जो एरिथ्रोसाइटिक, है ना। तो चलिए, हमने फिनिश कर लिया है अपना प्रोटोजोअन डिजीज़। अब हम अपने डिजीज़ के नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, दैट इज़ हेलमेंथिक एंड फंगल डिजीज़। ठीक है, आज हम लोग दो टाइप के ऑर्गेनिज़म्स को कैप्चर करेंगे, फर्स्ट हेलमेंथिक एंड सेकेंड इज़ फंगल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आज का टॉपिक लिख रही हूँ, दैट इज़ हेलमेंथिक एंड फंगल डिजीज। ठीक है, तो ये हुआ हमारा हेलमेंथिक एंड फंगल डिजीज, है ना। तो हेलमेंथिक एंड फंगल डिजीज हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जैसे कि आपने देखा होगा टेनियासिस, एस्केरियासिस, रिंग वॉर्म। अगर फंगल की बात करूं मैं तो रिंग वॉर्म। तो आखिर ये सब चीज़ें क्या हैं, किस तरह का ये डिजीज है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, तो ये हम आज कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ हमारा कम्युनिकेबल डिजीज जो होगा वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर हेलमेंथिक एंड फंगल दो टर्म मैंने बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, हेलमेंथिक की बात अगर मैं करूं तो इसके लिए लिखा जाता है पेट का कीड़ा। ठीक है, ये स्पेशली आपको समझ आएगा। और ये जो होता है ना, ये होता है त्वचा रोग। ठीक है, देखिए ये सबसे आसान तरीका है। हेलमिंथ और फंगल में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है, हेलमिंथ जो होते हैं वो ज्यादातर, उनको हम वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज वॉर्म। वॉर्म का मतलब क्या होता है, कीड़ा होता है ना। तो ये पेट के अंदर, स्टमक के अंदर जाकर बीमारी फैलाते हैं, ये पेट में रहते हैं, पेट में जाते हैं और तरह तरह के हमारे अंदर लक्षण को ये सामने लाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन फंगल की बात अगर मैं करूं तो फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ना, तो उसका सबसे ज़्यादा असर देखने के लिए मिलता है स्किन पर, हमारी त्वचा पर, है ना। हमारे जो स्किन होते हैं ना, उस पर सबसे ज़्यादा ये डिफेक्ट लाते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हेलमिंथ और फंगल में क्या डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस जो है वो आपको ये याद रखना है कि हेलमिंथ जो होते हैं इनको एनिमल किंगडम में रखा गया है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन हमारे जो फंगस होते हैं और जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उनको एक अलग ही फैमिली दी गई है ना। तो फंगस भी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मोस्ट प्रोमिनेंट वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लेकिन उनकी फैमिली बिल्कुल अलग है। लेकिन हेलमिंथ को हम किस में रखते हैं, एनिमल किंगडम में रखते हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम से ये बिलोंग करते हैं, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आप लिख सकते हो कि हेलमिंथ जो होते हैं वो वॉर्म होते हैं, जो स्टमक के अंदर पहुंचते हैं और ब्लड सर्कुलेशन के जरिए हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। लेकिन जो हमारे फंगस होते हैं ना, ये हमारे एपिडर्मल लेयर पर ज्यादा पाए जाते हैं, मींस स्किन लेयर पर इनका अटैक ज्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा हमारा टाइप्स ऑफ हेलमेंथिक डिजीज। लेट्स हैव द टाइप्स ऑफ हेलमेंथिक डिजीज। नाउ वी आर हैविंग नंबर वन हेलमेंथिक डिजीज। सबसे पहले हम लोग सबसे फर्स्ट हेलमेंथिक डिजीज की बात करें। जैसा कि आपको मैंने बताया कि हेलमेंथिक डिजीज जो भी होंगे उनका सीधा सीधा अटैक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर होगा, हमारे स्टमक पर होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले जो डिसऑर्डर है दैट इज टेनियासिस। ठीक है, टेनियासिस के लिए अपने पास है दो एजेंट, पहला है टेनिया सोलियम और दूसरा है टेनिया सैगिनाटा। दोनों में क्या फर्क है, ये जो टेनिया सोलियम होता है, टेनिया सोलियम इज नोन एज, इट इज नोन एज, आप इसको लिख सकते हैं पोर्क टेपवॉर्म। ये क्या कहलाता है, पोर्क टेपवॉर्म कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहां पे हम लिख देते हैं आपके लिए बोल्ड में कि इट इज नोन एज पोर्क टेपवॉर्म। और ये जो टेनिया सैगिनाटा है, इट इज नोन एज बीफ टेपवॉर्म। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टेनिया सोलियम यानी कि पोर्क टेपवॉर्म पोर्क, और ये जो टेनिया सैगिनाटा है ये बीफ टेपवॉर्म। यानी कि अगर कोई इंसान इस तरह के मीट का यूज़ करता है, पोर्क का या बीफ का, तो इसके जरिया वो उस इंसान में पहुँच जाता है ना। पोर्क का कंजम्पशन करने से या फिर बीफ को खाने से ये जो दो एजेंट हैं ये वहाँ मौजूद होते हैं और हमारे बॉडी में इनका, इनकी इनरिचमेंट हो जाती है। ठीक है, और वो हमारे बॉडी में पहुंचकर हमें एक बहुत ही सीवियर डिजीज़ का शिकार बनाते हैं, एंड द डिजीज़ इज़ नोन एज सिस्टिसर्कोसिस। ठीक है, क्या है ये,
इंजेशन ऑफ एग ऑफ टेपवॉर्म डेवलप इनटू सिस्टिसर्कस लार्वा। ठीक है, मान लीजिए कि हमने पोर्क या बीफ कोई भी चीज़ किसी इंसान के अंदर अगर पहुंचता है एज अ मील फूड, वो लेते हैं उस चीज़ को, तो जो टेपवॉर्म के एग हैं वो इंसान के अंदर चले जाते हैं और वो एग लार्वा में डेवलप हो जाते हैं और उसी लार्वा को हम क्या कहते हैं, सिस्टिसर्कस लार्वा। तो पोर्क वॉर्म हो या टेप या आपका बीफ वॉर्म हो, जो भी हो, दोनों के ही एग से डेवलप होने वाला लार्वा क्या कहलाता है, सिस्टिसर्कस लार्वा। इसीलिए ये बीमारी क्या कहला रही है, सिस्टिसर्कोसिस। ठीक है, तो ये अंदर पहुंच जाता है और अंदर कहाँ पहुंचता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्या है, लोअर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। और लोअर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक जो है हमारा, आप जानते हैं, या वो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, एनस के पहले। तो ये जो है हमारे इंटेस्टाइन पर बेसिकली ये अटैक करते हैं और इंटेस्टाइन के अलावा ये ब्लड सर्कुलेशन के जरिया हमारे आईज में और हमारे ब्रेन पर भी क्या करते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो दिस वॉज आवर नंबर वन डिजीज, दैट इज डेनियासिस। तो डेनियासिस में एजेंट का नाम आप जरूर याद रखें, दो इसके मेन एजेंट हैं, एक है पोर्क टेपवॉर्म टेनियासोलियम और दूसरा है आपका बीफ टेपवॉर्म। ठीक है, लेट्स हैव डिजीज नंबर टू। नाउ वी आर हैविंग सेकेंड डिजीज, दैट इज एस्केरियासिस। ठीक है, एस्केरियासिस का जो पैथोजेन है दैट इज एस्केरीज ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, है ना। एस्केरीज ल्यूम्ब्रिकॉइड्स जो होता है वो मैन में, इंसान में पहुंचता है खाने या पानी के जरिया। ठीक है, हम कुछ फूड या वाटर वगैरह कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे अंदर पहुंच जाते हैं, है ना। और देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने कि कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग फूड एंड वाटर कॉन्टामिनेटेड विथ इन्फेक्टिव एम्ब्रियोनेटेड एग्स कंटेनिंग रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। यानी कि अगर फूड और वाटर में इस एस्केरीज ल्यूम्ब्रिकॉइड्स के लार्वा मौजूद होंगे, ठीक है, एग का एम्ब्रियोडिट फॉर्म है, यानी कि जब वो एग थोड़ा डेवलप हो गया है तो वो रैबिडिटी फॉर्म लार्वा कहला रहा है ना। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्केरीज ल्यूम्ब्रिकॉइड्स का कौन सा स्टेज इंसान के लिए इन्फेक्टिंग है, यानी कि इंसान में कौन से स्टेज से बीमारी फैलती है। तो रैबिडिटी फॉर्म लार्वा याद रखना है आपको, इस फॉर्म की वजह से ही हमारे अंदर ये बीमारी कॉज करते हैं। और देखा जाए अब इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनमें जो लार्वा होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है कंपेयर टू अडल्ट। ठीक है, तो लार्वा जो होता है वो ज्यादा हमारे अंदर बीमारी कॉज करता है। तो लार्वा जो होता है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो हेमरेज कॉज करता है, यानी कि हमारे मसल्स के अंदर जाकर ये उस टिश्यू को डैमेज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पर गॉल ब्लडर है या जो हमारी किडनी है, वो सब जितने भी टिश्यूज़ हैं ना, वो वहाँ पर बोर करते हैं, उसमें छेद करते हैं और उसको डैमेज कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी ज़्यादा ड्रेडफुल होगा हमारे लिए, है ना। अडल्ट जो होते हैं उनके अंदर से टॉक्सिन प्रोड्यूस होती है, वो उनके अंदर से एक तरह का केमिकल सिक्रीट होता है जिसकी वजह से हमारे नर्वस सिम्टम्स देखे जाते हैं, यानी कि ब्रेन से जुड़ी हुई कुछ बीमारियाँ होने लगेंगी। यानी कि जैसे कि हल्का सा दर्द रहना सर में, थोड़ा बहुत हेडेक रहना, तो दैट इज़ नोन एज डिलेरियम, लाइट हेडेक। नेक्स्ट कॉमा इज कॉमनली कॉल्ड डीप स्लीप, मीन्स इंसान का कॉन्सेंट्रेशन पावर जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और तीसरा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये तो आपके एब्डोमेन स्टमक रीजन से रिलेटेड हो गया, वहाँ पे पेट दर्द होना, डायरिया हो जाना, वोमिटिंग हो जाना, ये सब इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो दो मेजर हमेशा याद रखना होता है हेलमेंटिक डिजीज में, एक होता है आपका टेनियासिस, दूसरा होता है हमारा एस्केरियासिस। एक और होता है जो अक्सर बुक में आप डायग्राम देखते हैं, दैट इज फाइलेरियासिस, एलिफेंट लेग जिसको कहते हैं, हाथी पांव रोग भी कहते हैं, अक्सर उसका डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है जिसमें पैर का रीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो जाता है, है ना, उसमें सूजन आ जाती है, तो उसको हाथी पाव रोग भी कहा जाता है, एलिफेंटियासिस, बट इट इज नोन एज फाइलेरियासिस। तो लेट्स हैव आवर नेक्स्ट डिसऑर्डर नाउ। नाउ वी आर हैविंग आवर नेक्स्ट डिजीज, दैट इज फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस को मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। ठीक है, द एजेंट इज वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी, है ना। वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी जो होता है ये एक ऐसा पैरासाइट है जिसको दो पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, एक ब्लड में रहना और दूसरा लिम्फ में रहना, है ना। तो ये ब्लड और लिम्फ दोनों में ही क्या करते हैं, दोनों के अंदर रहते हैं और हमारे टिश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे इसका जो मेन सिम्टम्स है वो क्या है, सबसे पहले जैसे ही ये एजेंट हमारे बॉडी में जाते हैं इट कॉजेज फाइलेरियल फीवर, फीवर आएगा, नेक्स्ट मेंटल डिप्रेशन, यानी कि ये हमारे मानसिक अवसादना को भी बढ़ाते हैं, हमारे मेंटल डिप्रेशन को क्या करते हैं, राइज करते हैं। दूसरा जो होता है वॉर्म्स जो होते हैं, यानी कि वॉर्म्स से घबराने की जरूरत नहीं, वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी की बात है ये, इसी को हमने वॉर्म कहा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हेलमिंथ जो होते हैं उनको हम वॉर्म भी कहते हैं ना। तो वॉर्म जो होते हैं ये लिम्फैटिक वेसल्स, लिम्फैटिक टिश्यूज में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के वो स्वेलिंग करते हैं, ठीक है, उस जगह पे स्वेलिंग कॉज कर देते हैं और स्वेलिंग को ही, स्वेलिंग होने की वजह से वहां का पार्ट जो होता है वो फूल जाता है, वहां पे सूजन आ जाती है और दैट कॉजेज एलिफेंटियासिस, उसी को हम क्या कहते हैं, एलिफेंटियासिस कहते हैं, ठीक है। तो जहां जहां पर लिम्फ वेसल्स होंगे वहां वहां पर क्या होगी, स्वेलिंग हो जाती है। तो आपको फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस एक ही डिसऑर्डर है, रीजन आपको पता चल गया कि एलिफेंटियासिस हम क्यों कहते हैं। नेक्स्ट इज ट्राइकोनोसिस, ठीक है, आपको याद है ट्राइकोमोनियासिस भी आपने पढ़ा था, लेकिन इट इज ट्राइकोनोसिस, याद रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसकी वजह से एजेंट क्या है डिफरेंट हो गया। देखिए ट्राइकोनोसिस जो होता है ये एक एजेंट की वजह से है, दैट इज ट्राइकिनेला स्पाइरलिस, है ना, और ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें वॉर्म्स जो होते हैं वो 10 से 20 साल तक भी इंसान के अंदर रह जाते हैं, ठीक है, 10 से 20 साल तक भी ये रहते हैं और धीरे धीरे हमारे हड्डी के में जो कैल्शियम्स होते हैं ना उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपको इतना ज़्यादा दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, मसल पेन होगा, क्रैम्प्स आएंगे, क्योंकि आपका जो कैल्शियम लेवल है उसको ये धीरे धीरे खा जाते हैं, कैल्शियम की कमी होने लगती है आपके बॉडी में और ये हाइपर स्नोफीलिया यानी कि स्नोफील जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो देयर आर टोटल 4 डिजीज वी हैव रिगार्डेड विथ हेलमिंथिक डिजीज जो आपको याद रखने हैं, दैट वेयर टेनियासिस, एस्कैरियासिस, फाइलेरियासिस एंड ट्राइकोनोसिस। तो देयर आर 4 डिजीज, तो आपको ये बात याद रखनी है इसके एजेंट के साथ। नेक्स्ट वी आर जस्ट गोइंग टू कंक्लूड आवर फंगल डिजीज, लेट्स हैव अ लुक ऑन फंगल डिजीज। नाउ वी आर गोइंग टू हैव टाइप्स ऑफ सम फंगल डिजीज। सबसे पहले फंगल डिजीज में हम लोग बात करेंगे रिंग वॉर्म की, है ना, बीमारी जो है उसका नाम है रिंग वॉर्म और इसके 3 एजेंट हैं, दैट इज ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम, ठीक है। ये 3 अलग अलग फंगस हैं जिनकी वजह से रिंग वॉर्म होता है, ठीक है, और इन तीनों को कॉमनली अगर एक नाम में इनकी फैमिली को आपको जानना है कि सबको मिलाकर एक साथ क्या कहेंगे, तो दीज आर नोन एज डर्मेटोफाइट्स। डर्मा मतलब ही होता है स्किन, डर्मल, है ना, तो स्किन से रिलेटेड हैं ये, तो इसलिए इनको हम लोग डर्मेटोफाइट्स कहते हैं। तो ये 3 एजेंट हो गए हमारे फंगल इन्फेक्शन के। देखिए इनसे क्या सिम्टम्स हैं इनके, ड्राई स्केल ऑन स्किन, स्कैल्प एक्सेट्रा, स्किन तो आप बखूबी समझ रहे हैं, स्किन का मतलब तो अच्छा जो हमारा स्किन होता है उस पर ड्राई स्केल्स होते हैं, गोल गोल से स्केल जैसे बन जाते हैं, राउंड राउंड ऐसा बन जाता है, रिंग की तरह बन जाता है वो, स्केल हो जाते हैं उस पर, है ना। और दूसरा स्कल्प, स्कल्प का मतलब होता है हमारा ये जो ब्रेन के ऊपर का जो सर्फेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्कल्प कहते हैं, है ना, तो स्कल्प पर भी गोल गोल सा स्किन जो होता है वहाँ का ड्राई हो जाता है और स्केली हो जाता है, ठीक है, तो दैट इज रिंग वॉर्म। नेक्स्ट इज कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस इज कॉज ड्यू टू कैंडिडा एल्बाइकन्स। कैंडिडा एल्बाइकन्स एक एजेंट है जिससे 2 तरह की बीमारी हो सकती है, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लिखा मैंने कैंडिडियासिस और दूसरा कैंडाइडल वेजिनाइटिस, ठीक है। अब देखिए क्या है, कैंडिडियासिस जो होता है इसमें स्किन और मसल्स में इन्फेक्शन होता है, ठीक है, ये हमारे स्किन और मसल को इन्फेक्ट करेंगे कौन, कैंडिडा एल्बाइकन्स, किस रोग में, कैंडिडियासिस में। लेकिन अगर ये हमारा कैंडाइडल वेजिनाइटिस है तो इसमें जो हमारे एल्बाइकन्स है ये फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट है दैट इज वेजाइना उसमें इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ये किसी भी जरिया से, जैसे मैक्सिमम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान भी ये एजेंट फीमेल वेजाइना में इंटर कर जाते हैं और ये इस तरह का वेजाइनाइटिस बीमारी कॉज कर देते हैं। नेक्स्ट इज टेनिया पेडिस, पेडिस मतलब ही होता है फुट,
पैर, इस बीमारी को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज एथलीट्स फुट, है ना। तो ये हमारे एथलीट्स फुट क्यों कहा गया, जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं उनमें भी ये देखा जाता है ज़्यादातर। इसमें क्या होता है कि हमारे जो पैर और हाथ के जो स्किन होते हैं, उंगलियाँ जो होती हैं उनके जो स्किन होते हैं, उसमें ये वॉर्म क्या करता है, अटैक करता है और उसको डैमेज कर देता है। तो स्किन ऑफ फीट एंड हैंड्स गेट्स डैमेज, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एस्परगिलोसिस, एस्परगिलस फ्यूमिगेटस, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमारे लंग्स का इन्फेक्शन होता है, जो इन्फेक्टेड एयर होता है ये एयर में घूमते रहते हैं, ये फंगस का है एयर में है, ठीक है, याद रखना है आपको। एयर के जरिए ये हमारे बॉडी में पहुंच जाते हैं, लंग्स को भी ये डैमेज करते हैं, और कहीं ना कहीं इस फंगस की वजह से हमारी सुनने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, यानी कि ये हमारे ईयर को भी क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, हियरिंग कैपेसिटी आपकी कम हो जाती है। तो दिस इज द फंगल डिजीज। तो ये था हमारा टोटल वैरायटी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें हमने बैक्टीरियल देखा, फंगल देखा, हमने प्रोटोजोअन देखा, हमने वायरल देखा और हेलमिंथिक देखा। तो 5 कैटेगरी में आपको मैंने कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ाए, और जो डिजीज आपके बोर्ड एग्जाम या नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मैंने काफ़ी प्रोलॉन्ग वे में पढ़ाया, जिस पर आपको ध्यान देने की है ज़रूरत। तो ये तो हुई बीमारी, अब इससे बचा कैसे जाए। तो आपको पता है कि अगर कम्युनिकेबल डिजीज से बचना होता है तो इंसान को पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन दोनों मेंटेन करना चाहिए। पर्सनल हाइजीन का मतलब आप खुद को कैसे साफ सुथरा रखते हैं, और पब्लिक हाइजीन का मतलब होता है कि पब्लिक से आप अपनी बचाव कैसे करते हैं। तो दोनों ही ज़रूरी होता है, यानी कि आपको हर एक तरीका, आपका फूड हैबिट, आपका डे टू डे लाइफ हैबिट जो है वो सब कुछ आपको सेफ रखना होता है, आपको प्रिकॉशंस रखने होते हैं और बहुत केयरफुल होना होता है। और जहाँ तक बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट जो हमारी मदद कर रही है इन सब बीमारी से लड़ने में, वो है वैक्सीन बनाकर, हमारे इम्यून पावर को डेवलप करके, जैसे पोलियो वैक्सीन मैंने आपको पढ़ाया, ओरल पोलियो वैक्सीन, वो अगर हम टाइम पे दिया जाए, बच्चों को कंज्यूम कराया जाए तो पोलियो से बच सकते हैं, टेटनस वैक्सीन, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा बायोलॉजिकल साइंस डेवलप कर रहा है। लेकिन काफ़ी ज़रूरी होता है कि हम पहले खुद की केयर करें बाय द हेल्प ऑफ आवर पर्सनल हाइजीन, साफ सुथरा रखना, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड विद टाइप्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड व्हाट आर दोज कैटेगरीज वी विल सी लेटर ऑन। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर मोर एंड मोर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।